बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम सुना में। क्या कहते हैं आपके सितारे, तो दर्शकों आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं। आपके जीवन जुड़ी हर समस्या का समाधान जो है हम लोग करते हैं। तो दर्शकों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, पितृ पक्ष चल रहा है, 2 से 17 सितंबर तक पितृ पक्ष है। और आप लोगों को पता ही है कि आज बुध देव ने राशि परिवर्तन भी कर लिया है। बुध देव जो है अपनी उच्च की राशि यानी कन्या राशि में आ चुके हैं। पितृ पक्ष चल रहा है, ये बड़े ही पवित्र दिन कहा गए हैं। इस दिन इसके लिए कहा गया है कि इस टाइम पीरियड पे स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहते हैं और आपके पितृ जो है कहीं पर भी, चाहे वो नरक लोक में हो चाहे वो स्वर्ग लोक में है, वे वो धरती पर आकर और हमसे कुछ भोजन की कामना करते हैं। और आप वो जैसे कि जैसे हमारे यहाँ पर लोग होते हैं इकट्ठे आते हैं, ऐसे ही और लोग जो है हमारे जो पितृ हैं वो भी हमारे पृथ्वी लोक पर आकर तर्पण चाहते हैं, अपना भोजन चाहते हैं, क्योंकि वो अब आत्माएं बन चुकी हैं, वो प्रभु में लीन हो चुके हैं। लेकिन ये पक्ष जो होता है 15 दिनों का, इस टाइम पर हमारे बड़े बुजुर्ग पीछे से कहते हुए आ रहे हैं, पुराने समय से कहते हुए आ रहे हैं, इस टाइम पीरियड पे आपको जो है नया सामान, नई खरीदारी जो है वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल के लोग समझते नहीं है और इस टाइम पीरियड पे शॉपिंग वॉपिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए। अपने पितरों की तरफ आपको ध्यान करना चाहिए, अपने पितरों का तर्पण आपको अच्छी तरीके से करना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं जा पाते, गया जी नहीं जा पाते हैं या उनका तर्पण नहीं कर पाते हैं, तो घर बैठे भी कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं। तो ऐसे ही 5 महा उपाय मैं आपके सामने लेकर आई हूँ और वो ऐसे ही बहुत ही इजी और सरल ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपके पितरों को तर्पण मिलता है, आपके पितर शांत होते हैं, आपके पितर जो है वो खुश होते हैं, आपके पितर जो है आपके दोषों से, सभी दोषों से मुक्त होते हैं। और वो जिस लोक में भी जाते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे भोजन दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, और जो उनकी जो एक उनको जो ठंडक पड़ती है, जो उनको जो एक तृप्ति होती है, उस तृप्ति से ही हमारे आगे के सारे कार्य जो है वो होते चले जाते हैं। तो ये चीज करनी बड़ी जरूरी है। कई लोग होते हैं कि कई उनके घरों में शादियों में बड़ी प्रॉब्लम आती है, कई बच्चों की शादियां ही नहीं होती है या शादियां होकर बार बार टूट जाती हैं, या पैसा उन्होंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं होता है, उनको कोई लग्जरी मिलती ही नहीं है। तो ऐसे बड़े सारे पितृ दोष होते हैं, उसकी बड़ी सारी कैटेगरीज होती है, मातृ ऋण की, पितृ ऋण की, सव ऋण की, भातृ ऋण की, तो ये सारी कैटेगरीज होती है जिसमें पितृ ऋण की बड़ी सारी श्रेणियां आती है। तो अब हमको क्या करना है, आपकी पत्रिका में कोई भी ऋण लगा हो, चाहे वो बृहस्पति का ऋण हो, चाहे वो सूर्य का ऋण हो, चाहे वो चंद्रमा का ऋण हो, चाहे वो शुक्र का ऋण हो, आपने यह करना है कि ये 5 कार्य जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, ये अगर आप पूरा रेगुलरली भी आप कर सकते हैं जब तक पितृ पक्ष चल रहे हैं, या जब भी आपको टाइम लगता है, 2 दिन का टाइम लगता है, 5 दिन का टाइम लगता है, 7 दिन टाइम लगता है, जितना समय भी लगता है आप ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि गुरु मां 15 दिन रेगुलर करना है, अब आपको कोई 30 दिन कोई काम पड़ गया तो कोई बात नहीं, वो दिन अवॉइड कर दीजिए, लेकिन आने वाली अमावस्या पर ये सारे उपाय जरूर कीजिए। और अगर रेगुलर भी करते हैं तो सोने पे सुहागा। अब हम बात करते हैं उपाय नंबर 1 की। उपाय नंबर 1 ये है कि आपने जो है अपने घर से थोड़ा सा जल लेना है और उसके अंदर अपने हाथ में थोड़े से 1 मुट्ठी काले तिल, 1 मुट्ठी सफेद तिल, 1 मुट्ठी काले तिल, 1 मुट्ठी सफेद तिल आपने लेने हैं और वो जाकर पीपल के पेड़ पर जाकर चढ़ा देने हैं। एक मुट्ठी में आप एक चुटकी भी ले सकते हैं, अगर आपको ज्यादा नहीं लेने तो 1 चुटकी काले तिल, 1 चुटकी सफेद तिल, 1 गिलास पानी, और वो ले जाकर आप जाके पीपल के पेड़ पर चढ़ाइए। नियमित ऐसा कीजिए। श्राद्ध पक्ष पर कहा जाता है कि पीपल पर सभी देवताओं का, राक्षसों का, देवगणों का, राक्षसगणों का यहाँ पर वास होता है। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बहुत जो है वो बढ़िया होता है। इस टाइम पीरियड पे किए हुए उपाय आपको बहुत ज्यादा लगते हैं। दूसरा प्रयोग आपको मैं बताने जा रही हूँ। आपने क्या करना है कि आपने जौ का आटा लेना है। जौ का आटा आपने लेना है और आपने उस जौ के आटे में, ध्यान से सुनिएगा ये उपाय, जौ का आपने आटा लेना है और उस जौ के आटे में तिल का तेल या सरसों का तेल, तिल का तेल
या सरसों का तेल और उसमें चार बत्तियां लगाकर इसे आपने जलानी है साउथ की डायरेक्शन में वहां पर जाकर ये दिया जो है आपने जलाना है। करके देखे ये अपने पितरों को जो है ये कार्य पितरों के लिए करके देखिए, आप देखेंगे आपकी समस्त दुख तकलीफें आपकी समस्याएं सभी जाती हुई आपको नजर आएंगी। ये आपके लिए बहुत बहुत ही बढ़िया जो है ये उपाय है। इस उपाय को करने से आपके दुख तकलीफें आपके जीवन से जाती रहती हैं। तीसरा आपको उपाय क्या करना है कि देखिए आप ये जो है ना इसको उपाय की तरह मत लीजिए, इसको डेली रूटीन के कार्य में आप सम्मिलित कीजिए। कौओं को भोजन कराइए, कौओं को जो कहा गया है कौए श्राद्ध पक्ष पर खुद आते हैं हमारे घर पर भोजन लेने के लिए, कौओं को भोजन कराइए। और क्या कहते हैं कि जो है ना कौओं को और गायों को कुछ भी दीजिए खाने के लिए। आप उनको घास दे सकते हैं, पालक दे सकते हैं, चरी दे सकते हैं और साथ में आपको जो है ना कबूतरों की सेवा कीजिए, पक्षियों की सेवा कीजिए, कुत्तों की सेवा कीजिए, कुत्तों को जरूर जो है आप दूध पिलाइए। तो ये उपाय भी आपके लिए बहुत बहुत कारगर जो है वो सिद्ध होगा। तो यहाँ पर ये उपाय जो है आपने करना है और ये तीसरा उपाय है जो मैंने आपको बताया है। चौथा उपाय आपको क्या करना है, किसी भी बुजुर्ग ब्राह्मण को जो आपके प्रिय कोई उनकी जो आपके प्रिय जो आपके बुजुर्गों की कोई भी मिठाई थी उनकी प्रिय, या उनका कोई सब्जी थी उनकी प्रिय, या उनका कोई फल उनका प्रिय था, वो किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को आपने देना है। और ये कार्य जो है आप करके देखिए आपको चमत्कार नजर आएगा। अगर कोई बुजुर्ग ब्राह्मण नहीं मिलता है तो किसी जरूरतमंद को भी आप दे सकते हैं, उनके नाम से जो है भोजन जरूर निकालिए। अगर आप रेगुलरली करते हैं तो भी आपको बहुत बहुत इसके फायदे जो है वो आपको मिलेंगे। और देखिए ये हम क्या कहते हैं कि मेरे को इसी बात पर जो है ना एक कहानी याद आ गई, जो कहते हैं कि एक मुझे किसी ने लिखकर दिया मेरे पोस्ट पर, किसने कमेंट किया कि गुरुमा लोग जो है अपनी अपनी जिंदा माँ को तो पूछते नहीं, उसको तो आश्रमों में फेंकाते हैं और कौए को बाप बनाकर जो है ना उसके पीछे पीछे रोटी लेकर घूमते हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली और ये बात सत्य है। कौए को बाप बनाकर उसके पीछे रोटी ले लेके घूमेंगे, माँ बाप चाहे कुछ भी घर में कर रहे हो वो कुछ नहीं, लेना देना नहीं। तो आप जो है ये जरूर ये उपाय कीजिए, छोटे छोटे उपाय होते हैं और इससे जरूर चमत्कार आपको देखने को मिलता है। तो अब पांचवा उपाय क्या है कि आपने बुजुर्ग को ब्राह्मण को खिला भी दिया, पांचवा उपाय क्या है कि किसी भी जगह पर अपने पितरों के नाम से आपने एक पेड़ जरूर लगाना है। इस श्राद्ध वृक्ष पर एक पेड़ जरूर लगाइए अपने पितरों के नाम से और उस पेड़ को जो है आप 15 दिनों तक सींचें, 15 दिनों तक आप इसको सींचें अपने पितरों के नाम से, बहुत बढ़िया रहेगा। और किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप एक गड़ी गोले के अंदर 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच मावा, 2 चम्मच काले तिल, 2 चम्मच सफेद तिल और थोड़ी सी खसखस डालकर भरकर अमावस्या वाले दिन जरूर रखकर आइए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार प्ले करके भी आप इसको समझ सकते हैं। ये 5 उपाय मैंने आपको दिए हैं जो कमाल करेंगे आपके इस पितृपक्ष में और आपके जीवन में खुशियां लाएंगे और इस पितृपक्ष पे लोगों की बुराइयां करने से बचे, चुगली करने से बचे, झूठ बोलने से बचे, किसी का पैसा खाने से बचे, किसी को नुकसान पहुंचाने से बचे, अपने घर में सुख शांति को बनाए रखें। कई लोग मैंने ऐसे देखा है जो पितृपक्ष में इतना उनको गजब के रिजल्ट मिलते हैं और कई लोग मैंने देखे हैं जो उनको नवरात्रों में भी जिनके काम उल्टे हो रहे होते हैं। तो ऐसे कौन से हमारे ग्रह होते हैं नवरात्रों में काम उनके उल्टे हो रहे होते हैं और पितृपक्ष में वो खूब कमा रहे होते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही बड़े छोटे छोटे से उपाय मैं लेकर आती हूँ और लेकर आती रहूंगी इस पितृपक्ष पर। आप सभी के पितरों को मेरा कोटि कोटि जो है वो नमन है। आप सभी जो है अपने पितरों का अच्छे तरीके से उनको जो है विदाई करें इस समस्या पर। मैं आप सभी लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि पितरों को दिया गया तर्पण आपके कुल को संवार सकता है, आपकी जूनी को जो है वो खुशहाल कर सकता है, आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है। पितरों का आशीर्वाद, आपकी कुल देवी देवता का आशीर्वाद अगर आपको मिल जाता है तो जीवन हमारा धन धान्य हो जाता है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे किसी और प्रोग्राम के माध्यम से मुलाकात होगी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो, और लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं, और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव।